जय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, अ पॉलीएटॉमिक गैस विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय। तो मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी को ही मीन एनर्जी बोलते हैं, तो मीन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल की बात करें, पर यूनिट या पर मॉलिक्यूल की बात करें, पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो ये फार्मूला होता है। तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो ये होता है 1/2 और 1/2 के टी, यही होता है। और के यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतनी होती है। लेकिन हाँ, याद रखना ये भी कि इसका पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। लेकिन कह रहा है कि जो पॉलीएटॉमिक गैस है अपने पास, उसके पास एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितना है? एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा? N/2 और KBT, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अगर यहीं पर कहता 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते भाई। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यह फार्मूला, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाता? 2/2 KBT हो जाता। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 KBT हो जाता। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 4 KBT हो जाता। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5/2 KBT हो जाता। तो ऐसे एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा? N/2 KBT हो जाएगा। तो यही इसका फार्मूले का, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, N/2 KBT हो जाएगा। N/2 KBT, ऑप्शन नंबर N/2 KBT, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।